हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलीव इन लर्निंग। क्लास 10th एंड 12th यूपी बोर्ड्स बार बार अपडेट देते जा रहे हैं और यूपी बोर्ड सुनने के लिए तैयार नहीं, स्कूल वाले सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसा कि आपको पता है, कल ही शाम को एक वीडियो अपलोड करी गई थी चैनल के थ्रू, जिसमें आपको बताया गया था कि यूपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली एक अपडेट आया है, एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो छात्र छात्राएं असंतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से, वो प्रिंसिपल को जाके एप्लीकेशन दें, अपना रोल नंबर, नाम लिखकर, क्लास लिखकर, और जिस सब्जेक्ट में या जिसका प्रमोटेड एक्सेक्ट विधेयक ये सब लिखा है वो प्रिंसिपल को दें, और प्रिंसिपल जब यूपी बोर्ड मांगेगा तो अपना जो पूरा स्कूल का डाटा है बच्चों की एप्लीकेशन का वो अपलोड करेंगे। लेकिन 24 घंटे भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, कल आई थी अपडेट्स आधे दिन पे, अभी 24 घंटे भी यहाँ कह सकते हो 24 घंटे ही हुए हैं, यूपी बोर्ड ने अपना जो लेटर था वो वापस ले लिया। दैट मीन जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका जो लेटर लिखा हुआ था, जो आई थी अपडेट, उसे उन्होंने डिलीट कर दिया है। अब फिर डिलीट कर दिया मतलब उन्होंने जो वो एप्लीकेशन था वो वापस ले लिया है। 11 अगस्त तक जो आपको मेल के थ्रू आप लोग कंप्लेन अभी तक कर रहे थे और जो कॉल के थ्रू कंप्लेन कर रहे थे, 11 अगस्त तक वो खुली हुई है। 11 अगस्त तक आप चाहें तो ऑफलाइन कार्यालय जाकर या ऑनलाइन कंप्लेन मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन अब एक बात जो आपको बतानी है वो ज़्यादा जरूरी, देखिए आपको लग रहा होगा कि हम भी बार बार अपडेट गलत दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपडेट आती है वो आपके थ्रू दी जाती है, आपको तुरंत प्रोवाइड कराई जाती। कल अपडेट आई थी वो प्रोवाइड कराई गई, आज अपडेट उन्होंने कैंसिल कर दी, तो हम आपको वो बता रहे हैं कि उन्होंने कैंसिल करी। देखिए एक चीज़ अब यहाँ से जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब आपको जो है थोड़ा सा अब अपनी वॉइस को बढ़ाना होगा, क्योंकि देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हम सब ऐसे ही शांत रहेंगे, इंतज़ार करेंगे उनके एक्शन का कि वो क्या कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ये ना विधहेल्ड हटाएंगे फिर, ना एब्सेंट हटाएंगे, ना प्रमोटेड हटाएंगे, और जिन बच्चों के नंबर इन्होंने खा लिए वो नहीं हटाएंगे। इस वजह से आज शाम को एक छोटी सी क्लिप आएगी 2 मिनट की। सबसे पहले आप लोग ये कीजिए, जितने लोग हो, बहुत सारे लोग, आप सब के सब अपना ट्विटर अकाउंट बना लीजिए। जितने भी बच्चे हो भाई, जितने भी लड़के लड़कियां, जितने भी छात्र छात्राएं, सब के सब आप लोग अपना ट्विटर अकाउंट बना लीजिए। नहीं आता बनाना तो वो पूछ लीजिए, वो बनवा दिया जाएगा। भाई बहन घर भर में जितने लोग हो, गांव देश पड़ोसी जितने लोग हैं, सब से ट्विटर अकाउंट बनवा लो, जिसका बना हुआ है बना रहने। आज शाम को एक ट्वीट डाला जाएगा हमारे चैनल के थ्रू, बिलीव इन लर्निंग के थ्रू, जिसमें आपके CM, PM, उप मुख्यमंत्री, जितना भी यूपी बोर्ड का पैनल है सबको टैग करा जाएगा और उसमें उनसे निवेदन करा जाएगा। एक छोटा सा पत्र उनको लिखा जाएगा यूपी बोर्ड के बच्चों की तरफ से कि हमारे रिजल्ट में जो ये गलतियां की गई हैं, प्रमोटेड, एब्सेंट, विदहेल्ड, और हमारे जो नंबर कम आए हैं उस पर कृपया ध्यान दिया जाए। तो उस जो ट्विटर, वो जो ट्वीट होगा, उसको आपको सिर्फ एक काम करना होगा, उसमें सब टैग रहेंगे, यूपी बोर्ड का पूरा पैनल, जितना स्टाफ है बोर्ड का वो टैग रहेगा, आपके जो है CM, PM, दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री, जो भी जितने भी नेता राजनेता जो कोई हैं जो बोर्ड से रिलेटेड हैं पैनल में, वो सारे टैग रहेंगे उसमें। आपको सिर्फ एक काम करना होगा, उस ट्वीट को रीट्वीट करना होगा। अगर जो लोग रीट्वीट का मतलब नहीं जानते वो पूछ लेंगे, वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि अब आप ये कैंपेन बढ़ाइए, क्योंकि देखिए अभी तक हम खुद पेशेंस रखे हुए थे कि भाई हो जाएगा, हम खुद आपको अपडेट दे रहे थे कि भाई आप लोग टेंशन फ्री रहो, होगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये करा कि डायरेक्ट अपनी जो वो थी स्कीम थी वो वापस ले लिया, लेटर वापस ले लिया, इस वजह से आप लोग अब जो है अपनी वॉइस को अप कीजिए। क्योंकि देखिए CBSE बोर्ड के बच्चों के जो अनसेटिस्फाइड थे अपने रिजल्ट से, उनके सितंबर में पेपर हैं, CBSE ने तो पेपर भी कराने की स्कीम भी निकाल दी यूपी बोर्ड का, क्या एक एक्सेंट लिया भी था उसे भी वापस ले लिया। इस वजह से आप सबसे निवेदन है कि आप लोग आज शाम को जो ट्विटर पे डाला जाएगा उस मैसेज को रीट्वीट कीजिए, जितना हो सके भाई उतना रीट्वीट करो। आपको अकाउंट नहीं बनाना था आता वो पूछ लीजिए, रीट्वीट करना नहीं आता वो पूछ लीजिए, लेकिन एकजुट हो जाइए अब
एक बार अगर ये आपका ट्वीट वहां तक पहुंच गया, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगता, एक बार अगर आपका ये ट्वीट पहुंच गया तो जल्द से जल्द रात भर में आपका डिसीजन आपके पक्ष में आएगा। इतनी पावर होती है सोशल मीडिया में। तो आप लोग यूनाइट होइए, हम आपके साथ पूरी तरह कैसे खड़े हैं, हम आगे हैं, आप बस हमारे साथ रहिए। आप ना आगे बढ़िए, हम आगे हैं, आप हमारे साथ रहिए। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। अभी तक हम खुद पेशेंस रखकर आपको बता रहे थे रहने दो हो जाएगा सब सही, लेकिन जिस तरह से विद इन 24 आवर्स लेटर को वापस लिया गया है, उसके बाद आपसे बस यही कहना है कि अगर नहीं पता व्हाट्सएप कर लो, ट्विटर कैसे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, रीट्वीट कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट्सएप करके पूछ लो, अपडेटेड रहो, वीडियो शेयर कर दो, सबको अकाउंट बनवा दो, जितने लोग हैं हो सके, जितने भी जिनके पास हो गए उनसे भी कह दो भैया बना के, दोस्त यारों से कह दो, गांव जहां पे भी जो सबसे बनवा लो जितना हो सके। उस स्टेटमेंट को जो लेटर लिखा जाएगा अभी श्रीमान जी को, वो रीट्वीट करना होगा आपसे। ये हाथ जोड़कर निवेदन है, आप थोड़ा अब अपनी आवाज़ को उठाइए। हम लोगों को शांति से बैठ के खेल नहीं देखना है, अपना जो हक था उसे वापस लेना। इस वजह से अपडेट आएगी, शाम तक ही वीडियो आपकी अपलोड होएगी, तो अब नोटिफिकेशन ऑन रखना, जैसे ही वीडियो मिले कर लेना, देख लेना, नहीं बनाना था तो पूछ लेना। टिल देन कीप लर्निंग, बिलीव लर्निंग, हम आपके साथ हैं, जल्द से जल्द सब कुछ सही होगा 110%। थैंक यू सो मच।